यहाँ स्टैंड बनाने के लिए सबसे पहले हम 9 इंच की हाइट का एक बत्ता काटते हैं। एक बार 9 इंच की हाइट की लकड़ी मिल जाने के बाद हम ऊपर से 1 इंच छोड़ेंगे और नीचे से 2 इंच छोड़कर एक सी शेप की कटिंग कर लेंगे। अब बेस में स्टैंड का नेक फिट करने के लिए हम 1 इंच की गहराई और 2 इंच की चौड़ाई की जगह बना लेंगे। ये स्टैंड कोई 6 इंच की लंबाई का है, तो 2 इंच की स्टैंड की नेक सेंटर में फिट करने के लिए मैंने दोनों साइडों से 2-2 इंच छोड़ दिया है और जिससे मेरे स्टैंड का सेंटर मुझे मिल जाएगा। जैसा हमने बेस में 1 इंच जगह बनाई है, वैसा ही हमको नेक में भी 1 इंच जगह बनानी है। जब ये एक दूसरे में फिट हो जाए तो आपका बेसिक मॉडल रेडी है। बहुत सिंपल लग रहा है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है इसको थोड़ा मॉडर्न लुक, इसलिए मैंने इसको दोनों एंड से ट्रायंगल शेप और काट ली है, जिससे यह बहुत बढ़िया लग रहा है। अब वक्त है सैंडिंग का, तो घिसाई तो हम वैसे सैंड पेपर से भी कर सकते हैं, मगर हमने यहाँ कर्व शेप देनी है, इसलिए मैं एंगल ग्राइंडर का यूज कर रहा हूँ। इसकी मदद से जैसी शेप चाहता हूँ वैसी शेप मॉडल को दे सकता हूँ। एक बार अच्छे से सैंडिंग हो जाने के बाद मैं राउटर की मदद से सारे एजेस और स्मूथ कर दूंगा। मैं स्टैंड के हेड और बेस को ग्लू से जोड़ चुका हूं और एक रात अच्छे से सूखने के बाद अब मेरा हेडफोन स्टैंड बिल्कुल तैयार है पेंट के लिए। काफी सोचने के बाद मैंने डार्क ब्राउन कलर का चूज किया है। अगर आप भी ये हेडफोन स्टैंड बनाने जा रहे हैं और तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपने कौन से कलर का यूज़ किया और ये कैसा दिख रहा है। आखिरी में जैसे ये स्टैंड बना है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। जैसा मैं चाहता था मजबूत और एकदम मॉडर्न, ये बिल्कुल वैसा बना है। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो अगर आपको भी ये वीडियो देखने में मज़ा आया तो लाइक करना ना भूलें, और अगर नए हो मेरे चैनल पर तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहे ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो।